मध्य प्रदेश की लोकप्रियता हर क्षेत्र में गजब की है और यहाँ के लोगों का क्या कहना, वो भी अजब गजब ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील का एक मामला सामने आया है जो अपने आप में ही अनोखा है। विदिशा, ये वही जगह है जहाँ से चुनाव जीतने के बाद सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया गया था। अब हम आपको ले चलते हैं पूरे मामले की ओर। दरअसल जब एक जमीन के मामले को लेकर नायब तहसीलदार ने सिरोंज के भूपेंद्र सिंह से 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, भूपेंद्र के पास पैसे नहीं थे और वो पिछले 6 महीनों से नायब तहसीलदार के पास जमीन का मामला निपटाने के लिए चक्कर लगा रहा था, लेकिन उससे 25,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी। तभी भूपेंद्र ने एक नया तरीका निकाला और अपनी भैंस को लाकर नायब तहसीलदार की गाड़ी से बांध दिया। भूपेंद्र का कहना है कि पिछले 6 महीने से नायब तहसीलदार के पास जमीन के निपटारे के लिए आ रहा हूं, लेकिन ये काम करने से मना कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी सबसे कीमती चीज मेरी भैंस है, इसलिए मैंने अपनी भैंस ही नायब तहसीलदार को दे दी है। इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सिंघल का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप सही नहीं है और ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। वहीं इस बात पर लंबी बहस होने के बाद भूपेंद्र अपनी भैंस को लेकर वहां से चले गए और जाने से पहले मध्य प्रदेश के सीएम के नाम एक ज्ञापन एसडीएम संजय जैन को देकर गए हैं। संजय जैन ने मामले की जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है और अब ये मामला कितना सच है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अक्सर सरकारी काम में घूस लेने की बात सामने आती है, तो अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी में हैं या आपके आसपास का कोई व्यक्ति इस तरह की परेशानी से परेशान है तो तुरंत इसकी शिकायत करें और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.